क्या नाम है तुम्हारा? कमर अब्बास। कितनी उम्र है? 41 साल। कितनी शादियां कर रखी हैं? दो ही हैं। क्या कारनामा सर अंजाम दिया? क्या मतलब सर? क्या कारनामा सर अंजाम दिया? हिंदी में समझाऊं, अरबी में समझाऊं? नहीं अरबी नहीं, मुझे समझ लग रही है। मैंने अपनी बीवी को कत्ल किया। हाँ क्यों? क्योंकि वो नहीं मेरी बात मान, दो नंबर काम करती थी, चरस पीती थी, नशा करती थी। अच्छा, तो कत्ल का इख्तियार किसने दे रखा था? जी कत्ल का इख्तियार किसने दे रखा था? इख्तियार नहीं दिया उसने, मैंने उसे समझाया, वो नहीं समझी। शादी कब से की थी? 9 से है। 9 साल हो गया। 9 साल में अब जाके गलत लगी वो? जब गलत हुई मुझे पता चला, मैंने कर दिया बस। अच्छा, यानी उससे पहले वो ठीक थी? हाँ मेरे साथ रही, ठीक। माँ के घर में जाती है वो गलत होती है, यानी वहाँ जाती है उस पोर्शन में गलत हो जाती है, तुम्हारी तरफ आती है ठीक हो जाती है। हाँ, दोनों तरफ रखते ना, दोनों सौकने कटे रह रही थी। उन्होंने बोला मैंने घर जाना है, उसके भाई के एक्सीडेंट हुआ, सारा खर्चा मैंने किया, उसके पास गई है वो। कितना खर्चा किया वो? जो भी हो, उसने बोला मेरा भाई है ये सब, ये मेरे इसके साथ मेरे सारे ने उसको घर से निकाला था, सब छोड़ के चले गए, मैंने संभाला। तुम शोर थे ना, तुम्हारा तो संभालना फर्ज था उसको। मैंने संभाला है। सास को क्यों मारा? मैं बोला ना, मेरे अंदर दोनों लड़ रहे थे, सास मुझे छड़ाने आ रही, सास मेरा ख्याल कि मैंने उसको मारा नहीं है, वो तो बस उसको लग गया सीढ़ियों तक। नहीं वो मेरे पीछे भागी है, मैं पीछे नहीं देखा, मैंने पीछे नहीं देखा। मेरी बीवी शबनम जो छोटी सी साली, वो भी गलत थी? नहीं अभी वो छड़ा रहे थे, गलत नहीं थे। हाँ। वो जब उसको बहन का खून निकला ना, वो तो आएगी मेरे पास छड़ाने के लिए, मुझे पकड़ेगी भी। मैंने छोड़ा था मेरे पास, मुझे नहीं, मैंने दो बार उसको नहीं मारा। औलाद है ना घर में? हाँ है, दो बेटी। अपनी बेटी को कभी कोई तकलीफ पहुंच देख सकता है? अभी मैंने देख सकता है, सिर्फ ये बताओ। मैं उसको भी नहीं देख सकता, मैं उसको भी नहीं देख सकता। गांव में लिया था, गुलामी में तो नहीं? नहीं मैंने खरीदी तो नहीं थी। नहीं मैंने मेरी बात अगर ये खरीदी की बात है ना, तो फिर मैंने खरीदी भी थी, क्योंकि उसने बोला मेरे माँ बाप संभालोगे, या आप खरीदी की बात कर रहे हैं ना, वो मेरी बीवी कल में पड़े, मैंने दफा चौड़ के बयान निकाह किया ना, निकाह किया था ना। ठीक है, वो पहले वक्तों में जैसे खरीदा जाता था गुलाम, वो तो नहीं काम किया था ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया था ना? मैंने उसके दी। मेरी बात सुनो, पहले वक्तों में तो कानून नहीं था, कुछ नहीं था, उस वक्त लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, इसलिए वो गुलामों की खरीदो फरोख्त होती थी, दफन भी होती थी, दफन भी होती, बिल्कुल ऐसे होता था ना, यानी को बहुत कुछ पता है, अवेयरनेस है। तो फिर ये पता नहीं था कि मुझे कत्ल का हक किसी ने नहीं दिया, ना इस्लाम ने, ना कानून ने। बिल्कुल नहीं, कत्ल नहीं करना चाहिए, किसी बकरी को भी नहीं करना चाहिए। वो तो इंसान थी। मैं ये बोल रहा हूँ ना, एक बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी 9 साल में 2 ट्राले जाया कि उसको समझाया ये नहीं है, माफी मांगी। ये मेरे 2 ट्राले अपने जाती थे, निशान ट्राले बड़े। अच्छा, 1,40,00,000 के। अच्छा, आज तक जो उसने बोला मैंने वो किया, जो शबनम ने बोला वो किया। महल तो नहीं था शबनम जिसमें रह रही थी? महल नहीं, क्योंकि उसकी माँ के 5 शादियां हैं अभी। अच्छा। भी अभी भी एक हाजी मुख्तियार घर में है, अरसलान अभी इधर घूम रहा है, वो मेरा सोरा है, 1 साल पहले शादी की है, 5 शादियां हैं मेरी सास की। निकाह पे निकाह है? जी सर। पता करो आप उसे घर गए, छोड़ देते ना ऐसी फैमिली को, आज खुद मैं मुजरम हूँ, गवर्नमेंट बल्ले, मुझे अदालत जो मर्जी फांसी दे, जो भी हो। काजी बन गए हो खुद? नहीं नहीं, काजी नहीं मैं। तो फिर क्यों फैसला किया? मैं फैसला नहीं किया, हाथ में क्यों लिया? मैंने सिर्फ फैसला किया अपनी बेगम तक, कि वो भी नहीं करना बनता था, इख्तियार नहीं था। अभी नहीं, इख्तियार नहीं है, नहीं था। जो बंदा एक किसी को प्यार करता है ना, कत्ल नहीं करना चाहिए, मैं समझता हूँ। जब वो एक बंदा जैकम शाही वकील मुझे फोन करके बोले तेरी बेगम पराठे बनाती है, तेरी ऐसे करती है, तो उसमें बंदा ले जाते हैं। नहीं नहीं, मैं पहली तारीख को मैंने जमानत कराई है, 6/1 को घर पे गया हूँ, मैंने आज जोड़े, मैं शबनम तू ना उसकी साइड ले ना इसकी साइड ले, तेरा बंदा हो ना मैं, तो एक साइड पे हो जा। ये सारी बातें तो मैं सुनती हूँ, मुझे सिर्फ ये बताओ कि शबनम की एक बहन भी लापता है जिसका इल्जाम तुम्हारे सर पे है, वो कहाँ है इस वक्त? अभी ये 4/4 को अपने घर पे थी, ये 6/4 कब आए, मतलब 4/6 कब आके आए? वो तो कहते हैं चीख चीख के कहते हैं कि वो तो अभी बोलेंगे ना, मैं बोलता हूँ उसकी दो लाशें घर से उतरी है, वो तो बोलेंगे, मदई तो बोलते ही है। नहीं नहीं, वो तो पहले पर्चा कराया हुआ था ना, पर्चा कराया हुआ था पहले ही, आप पे पर्चा था, वो लाशें उठने से पहले था। सिर्फ वो जैकम के कहने पे किया है, एक बंदा ना वो कहाँ है आप बता दें? ये मेरा साला है, मेरे से छोटा है, मैंने उसका बोला कुरान लेके आ मेरे सर पे रख दे, मैं मरीन के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, न्याय ले ले भले कुरान ले ले, मेरी सास मेरी है, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, मैंने मारा उसे ना, मार के जन्नत की दुआएं भी दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, हो गया उस पे, मैं उसको बोला सासरानी वो कुरान लेके मेरे सर पे रख, वो क्या बोलती है मेरे जवाई पे मुझे इतबार है, जो कह रही है मुझे दमाद पे इतबार है, उसी को तो मार दिया। नहीं
मैं हमारा नहीं है वो उसी का लिहाज कर लेते जिगर का टुकड़ा दिया था ना उन्होंने आपकी बात जब चढ़ाने आई है ना मैंने जी भर के उसको नहीं मारा ना जान बुझ के मारा तो बात पोस्टमार्टम में आ गई ना कि कितने उसको दर्बे दी गई है पीछे तक कहाँ तक भाग भाग के मारा गया है वो तो एक चीज सामने आ चुकी है जी अब तुम जो कह रहे हो तुमसे लगा तो फौरन उनको फर्स्ट एड के लिए ले जाते अभी जब ऐसा किसी को मारने जाता है ना यानी कि प्लानिंग से गए थे बात सुनो ना प्लानिंग से गए थे आप मेरी बात सिर्फ मुझे बता दो प्लानिंग से गए थे मैं सुन लेती हूँ पहली तरीको जब जमानत करी मैंने ये भी इंटरव्यू दिया है मैं गया उसकी मिन्नत की है साले की भी मिन्नत की है कुरान दिया कुरान सुपर बॉब मेरी सस बड़ा क्या बोलती है तेरी बेगम मेरे पास कुरान है ठीक है और कुरान उसने किसी से चर्च पीती थी ना वो किसी से लेके आता था उसको क्या बोलता है और मेरी सहेली पी रही है मेरी दोस्त पीती है किसी को बोलता है ना मैंने बोला यार वो चुको मुझे फोन करता है मेरी बीवी मुझे आग तो लगेगी मैंने बोला मैं इस पे सही हूँ तू ना अपने भाई की साइड ले ना मेरी साइड ले ये मैं सामने तफ्तीश होऊंगा ये अमरीन का मुझे नहीं पता छह तरीके से अमरीन का इल्जाम उन्होंने क्यों लगाया आप पे भाई उसने इल्जाम लगाया ना इनका काम ही ये है वकील के कहने पे किया मैं बोल रहा हूँ चार तरीके लेकर ये करमा दरबार है कोड़े के साइड अमरीन कहाँ है इस वक्त अब कुछ मैं बोल चले आप बता देना आपको कोई शक है भाई मैं ये बोलता हूँ चार से लेकर आपके पास आपके पास नहीं है तेरह आपको कोई शक है कि वो कहाँ है मैंने अपने दोनों नंबर दिए प्रेस भाई को दिए प्रेस को मैं जो आपसे पूछ रही हूँ कमर नहीं मैं उसके बारे में नहीं जानता मरीन के बारे में मैं नहीं जानता बस सुनो फिर ये अभी इधर बंद है असद जिसके साथ वो काम करती थी ना उसको पकड़ के ले काम क्या करती थी जी मैं काम क्या करती थी मैं वो ये उधर लीगल मिल रहा कोई उधर काम करते दोनों अच्छा। उधर सुने सुने बोला जी जो मैं इसमें ना असद के साथ शादी करना चाहती हूँ भाई को तुम बोलो मैंने बोला भाई ये कहने पर शादी नहीं करनी असद से मैंने फोन पर बात की मैंने बेटा तू भागना नहीं है मैं तेरा बहनो ही हूँ ना तेरी शादी इधर बैठ के कराऊंगा वो फैमिली अच्छी थी ना वो माँ अच्छी थी जिसे अपनी बेटी दी नहीं माँ अच्छी थी ना जिसने बेटी जिसने कहा मेरा दिमाग जो कह रहा वो सही है सिर्फ बताओ जिसने कहा कि अच्छे लगे ना नौ साल अच्छे लगे ना अच्छे लगे उनकी कोई लाज नहीं रखी रखी क्या लाज रखी खून में लखपत उनका घर कर दिया उनको बेसर और सामान उन मासूम बच्चियों के साथ से माँ छीन ली अपनी बीवी को तो कत्ल किया ही किया उनकी बेटी तो उनसे छीनी छीनी उस बाप पे क्या बीत रही होगी जो बुजुर्ग है उसके घर में बाप को बाप घर में है ठीक है मेरी सास आके शादी कर रही है मुझे वो एक अलग बात है जिस बाप की बेटी को मार दिया उस पर क्या बीती है सोचा कभी खुद बेटियों के बाप ये बिल्कुल सोचा है मुझे ये भी पता मैं भी मरा हूँ ना मैं भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शर्मिंदगी है नहीं इंसानियत के नाम की शर्मिंदगी है मैंने अपनी बीवी को कत्ल किया पर इस पे नहीं है क्योंकि वो मेरी बात नहीं मानती थी ऊपर जाके सपने के साथ मिलूंगा उसको बोलूंगा मैं मिल गया हूँ मैं जीना नहीं चाहता खुद ही नहीं जीना चाहता हूँ इस महीने में मेरा फैसला हो जाए मैं जैसा को बोलूंगा मुझे फांसी दे दे कमर आखिरी लफ्ज ये कि तुम ये मानते हो तुमने कत्ल किया तुम्हें इसकी सजा का भी पता था और तुम इसके लिए जिन तौर पे तैयार भी हो इस वक्त कि जो सजा मिले कबूल है क्यों पे जाकर उसने बोला मुझे घर में मैं जो बात कर रही हूँ दो लफ्ज जो आपको पता है सबको पता है जो किसको मारता है उसको फांसी है अच्छा कत्ल किया पता था ना इसकी सजा क्या है जी पता था और जिन तौर पे तैयार भी हो अभी कह रहे हो कि जज साहब को मैं बोल रहा हूं तैयार ठीक नाज़रीन ये वो सफाक मुल्ज़िम है जो पटर पटर इकबाल जुर्म कर रहा है मैं खुद अरबाब अख्तियार से अपील करूंगी ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए कैफर किरदार तक इन लोगों को पहुंचना चाहिए ताकि आइंदा कोई भी ऐसा कदम उठाते हुए 100 बार सोचे कि फलां अदालत ने ये सजा दी थी मैंने ये काम नहीं करना